जैन बच्चों, कैसे हैं आप लोग बच्चों आज डिस्कस करेंगे पैरासिटामोल जिसका दूसरा नाम है एसिटा अमिनोफिन पैरा एसिटाइल इज कॉमनली नोन एज पैरासिटामोल इन यूएस एंड एसिटा इन यूके पैरा एसिटाइल अमिनोफिनोल को बच्चों पैरासिटामोल कहा जाता है अमेरिका के अंदर और एसिटा कहा जाता है इंग्लैंड के अंदर हंड्रेड इन एगो एसिट वॉज अंडर क्लिनिकल प्रैक्टिस एज अ पेन रिलीवर बट इट वॉज फाउंड टॉक्सिक इन मॉडरेट डोजेज सो साइंटिफिक वर्कर्स स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट्स स्ट्रक्चर एंड फॉर्चुनेटली डिजाइंड एन एसिटाइल पैरा अमीनोफिनोल अब लेते हैं पैरासिटामोल की कहानी इतिहास की जुबानी बच्चों 100 साल पहले एसिटेनिलाइड को पेन रिलीवर की तरह यूज किया जाता था लेकिन जब इसकी टॉक्सिसिटी मिलने लगी तब साइंटिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया कि ये जो एसिटेनिलाइड का स्ट्रक्चर है क्या इसके सिमिलर हम कोई दूसरा ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं जिसकी एफिकेसी या पोटेंसी एसिटेनिलाइड के इक्वल हो तब वहां पर फॉर्चुनेटली एक नए मॉलिक्यूल का डिजाइन किया गया जिसका नाम था पैराऐसीटाइल अमिनोफिनोल जिसको कॉमनली कहा गया पैरासिटामोल क्या यह आपको क्लियर है इट इज वेल फेम्ड फॉर इट्स फीवर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एंड पेन रिलीविंग नेचर बच्चों पैरासिटामोल जो होता है ये दो क्लास को रिप्रेजेंट करता है एंटीपायरेटिक और पैरासिटामोल बहुत जल्दी बुखार को उतारता है और ये ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं एंटीपायरेटिक और ये पेन को भी रिमूव करता है पेन को भी दूर करता है अगर आपकी बॉडी में कहीं पेन है बॉडी एक है दांत में दर्द है सर में दर्द है तो वहां पर भी या फिर आपको आर्थराइटिस का पेन है तो ऐसे दर्दों में भी पैरासिटामोल का कोई जवाब नहीं है और ये कहलाते हैं कंपाउंड एनाल जेसिक पैरासिटामोल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग्स यूज इन द वर्ल्ड एंड इज मैन्युफैक्चर्ड इन बल्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ज्यादा बनने वाली मेडिसिन में से एक मेडिसिन है पैरासिटामोल प्रिपरेशन ऑफ पैरासिटामोल पैरासिटामोल के लिए जो रॉ मेटेरियल होता है वो फिनोल होता है फिनोल का नाइट्रेशन कराते हैं जिससे हमको ओर्थो नाइट्रोफिनोल और, नाइट्रो और पैरा नाइट्रोफिनोल मिलता है बच्चों और हम लोग इस पैरा नाइट्रोफिनोल का फर्दर रिडक्शन कराते हैं और आप देख सकते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनोल को जब रिड्यूस कराया तो ये कन्वर्ट हो गया पैरा अमिनोफिनोल के अंदर अब इस पैरा अमीनोफिनोल का एसिडिक मीडियम में एसिटाइलेशन किया जाता है एसिटिक एनाइड्राइड से जिससे एनएसटो ग्रुप जो है वो एसिट में कन्वर्ट हो जाता है और एसिटिक एसिड एसेट हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है तो बच्चों ये हमारा कंपाउंड जो बना है ये ही कहलाता है हमारा पैरासिटामोल बात करते हैं मैकेनिज्म की तो बच्चों आप जानते हैं मैकेनिज्म में पैरा अमिनोफिनोल जो होता है यहाँ पे अमिनो ग्रुप जो होता है ये हमारा न्यूक्लियो की तरह बिहेव करता है और जो हमारा कार्बनल कार्बन होता है वो बिहेव करता है इलेक्ट्रोफिलिक साइट की तरह क्योंकि यहाँ पे डेफिशियंसी जनरेट होती है इस इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और यहां से लॉन पेयर ये यहाँ की तरफ स्विच होता है जिससे नाइट्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन जाता है कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है इसलिए ये यह यहाँ पर प्लस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और ऑक्सीजन ने यहां पर इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा अब ये जो इंटरमीडिएट है यहां पे कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की स्विचिंग होती है तो देख रहे हैं आप यहां से ये वाला जो नाइट्रोजन है इसने ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के ले लिए हैं यहां से H+ प्लस निकलेगा ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूज होगी और सेम टाइम यहां से ये वाला देख रहे हैं आप ये वाला जो यहाँ से ग्रुप है ये पूरा बाहर निकल जाएगा और ये यहाँ से एच आई एन को लेके बना देगा हमारा एसिटिक एसिड देखिए यहाँ बचे था हमारा NH सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एस थ्री क्लियर है आपको और ये यहाँ पे सी एस थ्री सी ओ और ये वाला एच ये हमारा बन गया एसिटिक एसिड वॉज ऑल अबाउट द mechanism ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ पैरासिटामोल यहाँ पे कुछ सवाल हैं जो परेशान करते हैं वो आई यूएस बैन पैरासिटामोल की अमेरिका के अंदर पैरासिटामोल को बैन क्यों किया गया था तो आइए देखते हैं बात है ये 2011 की जब वहां पर लोगों ने सुसाइडल अटेम्प्ट किया तो कुछ सुसाइडल अटेम्प्ट में लोगों ने पैरासिटामोल की ओवरडोज ली जिससे वहां पर एक पेशेंट की लीवर फेलियर से मौत हो गई अब तो लोगों को मालूम पड़ा कि पैरासिटामोल की, की ओवरडोज डोज लीवर फेलियर का रीजन भी हो सकती है और फिर ये वहां पर बैन कर दिया गया इस पैरासिटामोल पॉइजनस अब दिमाग में घंटी बजती है कि जब अमेरिका ने इसको कर दिया ये लीवर फेलियर करता है तो क्या पैरासिटामोल लेना सही रहेगा क्या ये पॉइजनस होता है टॉक्सिक होता है तो आइए जानते हैं इसके बारे में भी इट्स ओवर डोज रिजल्ट इन टू लीवर फेलियर अगर कोई पैरासिटामोल की ओवर डोज लेता है तो वहां पर यह लीवर फेलियर कोस कर सकता है द फर्स्ट मेटाबोलाइट ऑफ इट इज क्यूनोन इमीन विच इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक सबस्टांस पैरासिटामोल के मेटाबोलिज्म में जो सबसे पहले बनने वाला कंपाउंड होता है उसका नाम होता है क्यूनोन इमीन ये उसका स्ट्रक्चर है बच्चों जो पैरासिटामोल से बना है क्या ये क्लियर है आप देख रहे हैं कि जो क्यूनोन इमीन है ये ही सबसे ज्यादा यहाँ पे जेहरीला कंपाउंड होता है टॉक्सिक कंपाउंड होता है जो कोस कर जाता है लीवर फेलियर को पॉइजनसूनोन इम्यून इज एलिमिनेटेड इन लीवर बाई द ग्लूटाथायोन बच्चों हमारे बॉडी के अंदर जब पैरासिटामोल कोई कंज्यूम करता है तो उससे मेटाबॉलिज्म के बाद जो पहला कंपाउंड बन के आता है वो पॉइजनस क्यूनोन इम्यून होता है और उसको लीवर के अंदर बनने वाला मिलने वाला ग्लूटाथायोन जो हमारा सबस्टांस है ये उसको वहां से एलिमिनेट करने में हेल्प करता है Glutathione is insufficient, then quinone imine reacts with cellular proteins and nucleic acids in the liver to damage it. अगर कोई आदमी ओवरडोज कर जाता है पैरासिटामोल की तो उससे जो बनने वाला मेटाबोलाइट है क्विनोन इमीन वो बहुत ज्यादा बन जाता है और उसके कंपेरिजन में ग्रुटोथ बॉडी के अंदर कम रहता है और तब ये ज्यादा अमाउंट जो क्यूनोन इमीन की होती है ये सेलुलर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ में रिएक्ट करने लगती है और फाइनली ये लीवर डैमेज के लिए चला जाता है मेथियोनीन एंड एसिटाइल सिस्टीन सपोर्ट्स द लेवल ऑफ द वाइटल ग्लूटाथायोन बच्चों हमारे लीवर के अंदर ग्लूटाथायोन को दो केमिकल मेथियोनीन और एसिटाइल सिस्टीन उसके लेवल को वहां पर मेंटेन रखते हैं मेथियोनिन इन विद पैरासिटामोल इन यू एस टू प्रिवेंट दूनोन इमिन इसमें ध्यान रखिएगा इसीलिए अमेरिका के अंदर प्लेन पैरासिटामोल ना देके वहां पर मेथियोनिन प्लस पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है वहां पर मेथियोनिन जो होता है वो ग्लूटाथायोन के लेवल को इंक्रीज करता है बूस्ट करता है जिससे वहां पर होने वाली क्यूनोन इमीन की पॉइजनिंग के चांसेस काफी पुअर हो जाते हैं तो बच्चों आज हमने जाना पैरासिटामोल के बारे में पैरासिटामोल की हिस्ट्री के बारे में पैरासिटामोल की प्रिपरेशन के बारे में पैरासिटामोल की पॉइजनिंग के बारे में पैरासिटामोल की पॉइजनिंग से कैसे बचा जाए और अमेरिका में पैरासिटामोल को बैन क्यों किया गया था होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा